भारतीय शोधकर्ताओं ने धातु कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी विकसित की है जो कि देश के ग्रहीय मिशन लॉन्च की लागत को कम कर सकती है। खासकर मंगल मिशन को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही ये बैटरी पृथ्वी पर कार्बन उत्सर्जन को भी कम करेगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वर्ण जयंती फेलो प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा ने अपनी इस तकनीक का हाल ही में प्रयोगशाला स्तर पर परीक्षण किया। अब तक की जानकारी में यह अपनी तरह का पहला अनुप्रयोग है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। अंतरिक्ष मिशनों में सबसे महत्वपूर्ण होता है भेजे गए वाहनों के लिए ऊर्जा की उपलब्धता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी अपने मिशन्स के लिए कई तरह के ऊर्जा वाहकों का प्रयोग करता है जिनमें लिथियम आयन बैटरी भी शामिल है। हालांकि इन बैटरी से कार्बन उत्सर्जन भी होता है। अब IIT हैदराबाद के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्राध्यापक चंद्रशेखर शर्मा और उनकी टीम ने धातु कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी विकसित की है जो मौजूदा लिथियम आयन बैटरी से कई गुना ज्यादा ऊर्जा सक्षम है। धातु या लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड आधारित ये बैटरी इसरो के आगामी मंगल मिशन में काफी सहायक हो सकती है। वर्तमान में हम अंतरिक्ष मिशन के लिए लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करते हैं जो कि अपने कम ऊर्जा घनत्व के कारण सुरक्षित है। धातु CO2 बैटरी लिथियम आयन बैटरी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा ऊर्जा घनत्व प्रदान करने के साथ एक ही समय में दो तरह के समाधान दे सकती है। एक, हम मंगल ग्रह पर उसके CO2 वातावरण का उपयोग कर सकते हैं और दूसरा, पृथ्वी के वायुमंडल पर हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर सकते हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा कारण है। साल 2020 की स्वर्ण जयंती फेलोशिप के लिए चुने गए प्रोफेसर शर्मा ने संस्थान में स्थापित क्रिएटिव एंड एडवांस्ड रिसर्च बेस्ड ऑन नैनोट मटेरियल्स यानी कार्बन प्रयोगशाला में धातु कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी का प्रोटोटाइप विकसित किया है। इस तकनीक में छिद्रयुक्त कैथोड द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ऊर्जा वाहक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। कैथोड वातावरण से CO2 को लेकर उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देगा और बैटरी चार्ज हो जाएगी। अपनी तरह के इस पहले अनुप्रयोग का मंगल ग्रह का कृत्रिम वातावरण तैयार कर परीक्षण किया गया जो सफल रहा। आपको बता दें, मंगल ग्रह के वातावरण में 95% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ऐसे में ये बैटरी वहां मौजूदा समाधानों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कारगर साबित होगी। लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी में मूल रूप से दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इस तरफ और दूसरा छोर। इनमें एक इलेक्ट्रोड वायुमंडल में खुलता है, दूसरा इलेक्ट्रोड सिरा पूरी तरह से बंद है। उपकरणों का इस्तेमाल करते समय जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वातावरण से CO2 इसमें जाएगी। विशेष रूप से पृथ्वी या मंगल के वातावरण बैटरी में मौजूद धातु के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, तो ये धातु कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करेगा। जब आप अपने उपकरण को चार्ज करेंगे तो ये धातु कार्बोनेट डीकम्पोज हो जाएगा और CO2 वापस वातावरण में चली जाएगी। धातु CO2 बैटरी कार्य प्रणाली का ये आसान सिद्धांत है। IIT शोधकर्ताओं का ये अनुप्रयोग आगामी मंगल मिशन में लैंडर और रोवर की ऊर्जा की जरूरत को दक्षता के साथ पूरा करेगा। साथ ही स्वदेशी बैटरी का प्रयोग करने से मिशन के पेलोड का द्रव्यमान कम होगा और लॉन्च के लागत में कमी आएगी। पृथ्वी पर ऊर्जा उत्पादन और उपयोग से होने वाला कार्बन उत्सर्जन एक बड़ी समस्या है और ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण भी, क्योंकि धातु CO2 बैटरी कार्बन डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगी। इस तरह वातावरण में मौजूद ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इन बैटरीज में ऊर्जा के तौर पर स्टोर किया जा सकता है जिससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी और ऊर्जा का एक नया विकल्प भी मिलेगा।
हमने कैथोड सामग्री के रूप में पोरस कैंडल सूट कार्बन का उपयोग किया है और इसे परखने के लिए हमने सेल को मंगल के कृत्रिम वातावरण में रखा। हमने देखा कि इस लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी का प्रदर्शन शुद्ध CO2 वातावरण के बजाय मंगल ग्रह के वातावरण में ज्यादा बेहतर हो सकता है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है CO2 उत्सर्जन के लिए समाधान प्रदान करना। जैसा कि हम जानते हैं कि CO2 उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, इसीलिए CO2 को ऊर्जा वाहक के रूप में उपयोग करके हम CO2 उत्सर्जन को कम करना चाहते हैं। हाल ही में ये अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका मटेरियल्स लेटर्स में भी प्रकाशित किया गया है और शोधकर्ता दल ने इसका पेटेंट दायर कर दिया है। ये पहली ऐसी स्वदेशी तकनीक होगी जिसका इस्तेमाल इसरो न सिर्फ आने वाले मंगल मिशन में कर सकता है, बल्कि इसके द्वारा भारत के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में भी सहायता मिल सकती है।